अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, इफ्तार के बाद आपके साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ मुनीजा और आपके फेवरेट बरकत अनुज में। अच्छा, आप जब ये कहते हैं ना, वैसे अस्सलाम वालेकुम, आप जब ये कहते हैं ना तो उनकी ये आईब्रो ना ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब अभी तक बोटॉक्स नहीं कराया है उन्होंने। अच्छी बात है, ये चली उसी पर रही है। इसकी लिमिट क्या होती है बोटॉक्स वोटॉक्स ये जो होता है सब? ज्यादा बोलने पे गिर जाते हैं। सही बताया, ऐसा होता है शबनी साहब? खांसी नजला, हमारे इलाके का डॉक्टर इतना कोऑपरेटिव है, अगर कोई मरीज इंजेक्शन लगाने को मना करता ना, कहता अच्छा आधा आप लगवा लो आधा मैं लगवा लेता, मतलब उसकी हेल्प करता है, कह रहा यार मैं अकेला फील ना करूं। और एक और डॉक्टर इतना बेवकूफ, एक बंदे के गुर्दे का मसला था और उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, आंख का ऑपरेशन इसलिए किया कि आंखों से देखने के बावजूद भी ये गंदा पानी पीता रहा है। अरे भाई, ये होता है कि नहीं होता बताइए? ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं आपको? मतलब दो घंटे मरीज का वक्त जाया करने के बाद कह रहे होते हैं सॉरी आप इनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं, वो भी जो होता है कि बंदा 20 मिनट पहले मरा, कितने आधा घंटे पहले ले आते तो हम इसको बचा लेते, इसकी जान बचा लेते, जान है ना। नहीं, डॉक्टर से ऐसा रहा पड़ता है असर भाई आपका? पड़ता रहता है, शो पे इतने डॉक्टर आते हैं। नहीं, वैसे आम जिंदगी में ऑफकोर्स बिना वजह की ट्रीटमेंट, नजला जुकाम बुखार के लिए तो जाते हैं। डॉक्टर क्या दुआ करता होगा अपने लिए? जैसे हम अपने रिस्क में इजाफा की दुआ करते हैं, शोज मिले, काम मिले, डॉक्टर क्या कहता होगा, याला बीमारियां बढ़ा। क्या दुआ करेगा? नहीं, कुछ उसके रिस्क में कैसे इजाफा होगा, ऐसे ही होगा। और कुछ डॉक्टर होते हैं मरीज का ऑपरेशन ही नहीं करते, मरीज को सीधा लेटा के उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको ठीक करते, अल्लाह इसको सेहतियाँ भी दे, मतलब होते हैं। आप जाती है डॉक्टर, डॉक्टर के पाला पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इंसान है, जरूरी बंदा बीमार। अच्छा, ये नई बात बताई आपने, आप इंसान है, मैं तो आपको फरिश्ता समझ रहा था। जितने गिरे हुए इंसान मुझे मिले हैं ना असर भाई, इतने गिरे हुए अगर मुझे पैसे मिल जाते ना तो आज अमेरिका में मेरा फ्लैट होता। अमेरिका जाके क्या करते यार? यही करते बाकी लोग, करते ये तो बस घर में बैठा रहो यही, क्योंकि वहां तो पैसे मिलते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी बुजुर्गों को मिलते। अभी आप बुजुर्गी तक पहुंच गए कि आपको पैसे मिलना शुरू हो? कुछ नहीं पता भाई, जो हालात चल रहे ना पाकिस्तान के, हर आदमी ज़हनी तौर पे बुजुर्ग हो गया। लेकिन कम से कम आसरा तो होता है कि कुछ मिलेगा। आसरे में ही जी रहे, और आपको क्या पता आप बुजुर्गी तक पहुंचो नहीं पहुंचो। फिर बच्चा 12-15 साल की उम्र में 80 साल का हो जाता है। वहाँ कोविड में लोगों को पैसे मिले, $1,000 पर महीना मिले यार। अच्छा, और अच्छा क्या पहले बताए थे आप? क्या समझिए हमारे रिश्तेदार से विंचोली में रहते हैं। नहीं, कोरोना की वजह से एक बात का अंदाजा हो गया सरवाई की, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो सकता है सिवा रिश्तेदारों की जुबान के। ये बात वाकई, वो तो कोरोना में भी बंदी हुई है सर भाई। लेकिन क्या कर सकते हैं आप, किसी की बातें रोक तो नहीं सकते, वो तो बोलते रहते हैं। आपके रिश्तेदार आपको क्या मतलब, आप जब से टीवी पे आना शुरू हुई है तो आप तो अजीब अजीब कमेंट्स करते होंगे। मैं तो पहले ही कहती थी हाथों से निकल जाएगी। देखिए ऐसे जुमलों पे जो है ना, मैं कान ही नहीं धरती। मैं कहती हूँ बोलते रहो बोलने वालों, जलते रहो जलने वालों, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ। इन्हीं रिश्तेदारों ने कभी रोटी पूछी है? मैं कभी भी नहीं पूछी ना, हम क्यों इनकी बातों पे कान धरे? उन्हें पता है वो पूछेंगे और आप पूरा आटा उनके आगे बर्बाद कर देंगे। अब देखिए, अब ये तो मैं क्या कह सकती हूँ, बहरहाल चलो आज की रेसिपी बता देती हूँ, छोड़ो। अच्छा, हाँ। देखिए यही चीज मैं रिश्तेदारों के साथ करती हूँ। अच्छा, क्या रेसिपी बता देती है? चलो भाई अपना काम करो, छोड़ो इनको, ठीक है। तो जो है हम आज बना रहे हैं एप्पल मोहितो, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल, जूस है। ये क्या है? ये सेब का रस, तेजाब है, तेजाब। अच्छा, सरसों का तेल समझ रहा, मैं तेजाब समझ रहा था। अच्छा, वो आप सरसों का तेल ही समझे, कुछ और नहीं समझे? रमजान के महीने में कोई बात नहीं, रमजान के महीने में सफाई होनी चाहिए ना। हाँ, तो फिनाइल डाल दूं? वो आपका अपना घर का मसला, यहाँ वो डालो जो हम पी ले। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमने एप्पल जूस ले लिया तकरीबन 250 ml तक। इसके अंदर 2 tablespoon के करीब मैं लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें जा रहा है काला नमक 1 teaspoon के करीब। ये कोई नई चीज़ बन रही है आज असफर भाई जी? गला खराब तो नहीं होता इससे? बिल्कुल होगा, आप मत पिएगा, ठीक है। वही बना रही जिससे मेरा गला खराब। 2 से 3 tablespoon हम शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। बस इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। और उज़्मी भाई कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, ये आपने कैंड जूस लिया था एप्पल का? हाँ, आप फ्रेश एप्पल का भी जूस निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने ले लिया, इसको हम जो है अच्छा, मैंने पहले आपने ये पुदीने के पत्ते उसमें पहले भी डाले हुए गिलास में? हाँ, वो ऐसी गार्निश के लिए डाले हुए, थोड़े से नींबू के वेजेस यानी टुकड़े काट के डाले हुए, थोड़ा सा पुदीना डाला सिर्फ गार्निश के लिए, फ्लेवर के लिए भी, फ्लेवर के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया ना, तो ये इसमें थोड़ा सा ये एप्पल जूस जाएगा और साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे फिजी ड्रिंक। आप वाइट फिजी ड्रिंक ले लें, फिजिकल ड्रिंक। हाँ, ये फिजिकल ड्रिंक है? नहीं, ये फिजिकल ड्रिंक नहीं है, तो प्रैक्टिकल ड्रिंक नहीं है। हाँ, ये कौन सी होती है फिजिकल ड्रिंक? फिजी ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, फिजी जो बहुत बिजी लोग पीते हैं। हाँ, सही है, ये हमने इसमें शामिल करा और साथ इसमें ये फिजी ड्रिंक जाएगा। वाह वाह वाह, ये कोई नई चीज बन रही है, बहुत अच्छी चीज बन रही है असर भाई, ये मुझे लग रहा है ये कोई, पहले खुद पी के चेक करना। हाँ हाँ, अच्छा इसका असर कितनी देर में होगा? फौरन हो जाएगा, फौरन हो जाएगा, 11 मिनट का मार जाने इसमें, 12 मिनट पे आप नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, ठीक है, बस ये तैयार है और इसको अब हम सर्व कर दें। यार सबसे अच्छी इसकी ये बात है मुनीजा की, कितनी जल्दी तैयार करती है ना। हाँ, ये बात देखिए, हमने डिजाइन इस तरीके से रेसिपीज करी ताकि रात के टाइम पे आप अपनी इबादत को भी टाइम दे, कुछ एनर्जेटिक हो, कुछ अच्छा सा हो, रिफ्रेशिंग हो, जिससे आप फ्रेश भी हो जाए। तो हमने डिजाइन इस तरह की है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि रमजान में उसमें भाई हम लोग की, हमारी खवातीन जितनी भी हैं वो ज्यादातर किचन में ही अपना टाइम लगा देती है, उसमें नमाजें भी छोड़ देती हैं, तरावियां भी छोड़ देती हैं। तो मेरे ख्याल से रमजान का मकसद खाना पीना नहीं है, रमजान का मकसद इबादत का है, तो इबादत पे जितना वक्त दे सके ना वो ज्यादा बेहतर। ये बहुत अच्छी बात है, वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपनी इबादतों को भी टाइम देते रहना चाहिए। और एक चीज और, जो अच्छी आदतें हैं, जो किसी की मदद की जो नियत है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो नियत करके रह जाते हैं और मदद नहीं कर पाते, अमल दरामद नहीं करते, सोचते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अरे यार अभी दो दिन की छुट्टी आएगी उसमें कर लेंगे। आपको जैसे ही सोच आ रही है उसी वक्त उसके ऊपर आपको अमल दरामद करनी है, क्योंकि आपको पता है बे इंतहा लोग हैं जिनकी स्ट्रगल्स पूरे पूरे साल चल रही होती हैं। मैं एक खातून को जानता हूँ जो कि सिंधी मुस्लिम के जो चौराहा है सिंधी मुस्लिम का, वहाँ पर वो स्टॉल लेके खड़ी होती हैं और मैं उनको अरसे से देख रहा हूँ, और बच्चियों के क्लिप्स होते हैं उनके पास, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और मैं इतनी मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूँ किस तरह लोगों से वो मिलती हैं, वो अपनी एक जगह पे मखसूस होती हैं, और उनको अगर आप मदद करने के लिए जाएं तो कहती है नहीं कुछ सामान लो खरीदो, आप उनको पैसे देंगे कुछ भी देंगे, तो वो अगर आप बज़्ज़द हो जाएं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो क्या करती हैं, आपकी गाड़ी खड़ी होगी थोड़ी देर बाद एक थैली बना के आपको दे देंगे, उसमें क्लिप होगा, कोई कीचेन होगी, कोई इस तरह की चीज़ होगी। तो इस तरह के बे इंतहा खुददार लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े बड़े मार्ट्स में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में चले जाते हैं, वहाँ लिखा होता है फिक्स प्राइस, आप वहाँ तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट पे कर देते हो, लेकिन इस तरह के वेंडर्स जो होते हैं जो बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे होते हैं या रोड साइड पे बैठे हुए होते हैं, हम जाके उनसे 10-20 रुपए पे बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ आप इतने हज़ारों रुपये ऐसे ही दे देते हैं, इनको भी इसी तरीके से आप दे दें, जितना डिमांड करें उतना ही दे दें, एटलीस्ट भले ऊपर आप नहीं दें लेकिन जो वो मांग रहे उतना दे दें, कम अज़ कम फिक्स प्राइस समझ के ही दे दें, हम वहीं पर बार्गेनिंग क्यों करते हैं? आप देखिए हम बाकी शो करते हैं खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहतरीन डुओ से, ये माँ बेटी की बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत बेडशीट्स बनाते हैं, कंपनी के नाम है इनोवेटिव, और हमारे साथ हैं रिफत मुनीर और मारिया मुनीर। सलामुलेकुम। सलामुलेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। ये कब से काम कर रही हैं आप इनोवेटिव? 2 साल से कर रही हूँ। और ये शुरू कैसे हुआ है सारा सिलसिला? मुझे पहले से शौक था, और फिर मतलब घर में बच्चियों वगैरह के लिए करती थी, मेरी 3 बेटियां हैं, फिर उसके बाद अचानक मेरी हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि इसको मैं प्रोफेशनल तौर पे अपने लिए, मतलब जब अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया हुआ है तो उसको यूटिलाइज करूँ, तो बस इस तरह फिर करके मेहनत करी। प्योर नेचर्स के नाम से हेयर ऑयल है हमारा, ऑर्गेनिक, यस ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है वो, माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। और उसके अलावा तो हेयर ऑयल भी आप बना रही हैं? जी हेयर ऑयल, वो होम मेड है सारा? यस। आप खुद बनाती हैं? हाँ। प्लीज रेसिपी तो बताएं उसकी, कैसे बनती है? क्योंकि ऑयल्स में सब लोग कहते हैं हम घर में खुद बना लेंगे। 12-13 इंग्रेडिएंट्स से मिला हुआ है, मिलके बना है ये, और इसके लिए मतलब प्योर एंड ऑर्गेनिक चीज़ें, सब चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत एक टफ काम था मेरे लिए उस वक्त, क्योंकि जब रिसेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी
फिर उसके साथ साथ मुझे मतलब ये बेडशीट्स वगैरह इन टाइप की चीज़ों का डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। क्रोशिया थोड़ा सा आता था, तो फिर क्रोशिया वर्क जो है उससे मैंने डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट आइडियाज़ लाई कि उसमें क्लिप पोनिया जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल इन चीज़ें ये चीज़ें नहीं होती, आपको पर्स वगैरह तो मिल जाएंगे और फीडर कवर्स वगैरह जो हैं वो आपको मतलब वैसे तो एक नॉर्मल उसके बने के मगर जैसे उसके अंदर एक कोई चीज़ लाना कि ताकि कोई अट्रैक्ट हो उसको देख के, तो मैंने फिर इस तरह से मतलब उसमें एक चीज़ अपने माइंड में करके कि कुछ ना कुछ हमने कोई चीज़ अच्छी करनी है कि दूसरा उस पर अट्रैक्ट हो। और फिर मैंने बेडशीट्स में भी इसी तरह एप्लिक वर्क एम्ब्रॉयडरी वो सब कुछ मैं खुद बेहतरीन फैब्रिक खुद सेलेक्ट करती हूँ। जैसे निशात का कभी होता है कि निशात का आइडियाज़ का फैब्रिक लिया और उस पर मैंने डिज़ाइनिंग करवाई, और या फिर जैसे ये क्रोशिया है इससे क्रोशिया से कुशन कवर वगैरह बनाए, और दूसरा ब्रांड का जैसे फैब्रिक लेके उसमें से कोई फ्लावर नज़र आया तो वो निकाल के उसको उसके ऊपर एडजस्ट करना, उस पर अप्लिक करना और एम्ब्रॉयडरी वगैरह करवाना, वो इस तरह करा। अच्छा मारिया आप जी बोल बोले। मैं कह रही हूँ जो हेयर ऑयल आपने बनाया ये हर तरीके के हेयर्स के लिए मतलब हर तरीके के बालों के लिए या अलग अलग है कि किसी का डैंड्रफ ज़्यादा है या किसी के नहीं हर एक के लिए है, हर एक के लिए है। इवन के 2 मंथ्स का बेबी जो है आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और मतलब ऐसे ये होता है कि बाल जिसके गंजपन हो जाता है उसके बाल जी उनके लिए भी और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें कबाब तल सकते हैं, इस ऑयल में कबाब तल सकते हैं इसमें, और वो चिकन के हों या बीफ के ये भी बताइए। ये शैम्पू में बादाम क्यों डालते हैं? ताकि बालों को याद रहे कि गिरना नहीं है। आ गया था ना बादाम मिले में ये भी नहीं, आजकल तो प्याज वाले आ गए। जी प्याज वाले आ रहे हैं। जी सही कह रहे, सही कह रहे। कहते हैं प्याज का ऑयल बहुत अच्छे बालों के लिए। अच्छा इसमें प्याज भी है। अरे वाह, अच्छा प्याज का ऑयल भी है। बस उसमें भाई आप ले लें। तो सही, फिर तो सालन में डाल सकते हैं 2 चम्मच। अच्छा प्याज प्याज खरीद के मैं अभी लगाऊं तो ईद तक आ जाएंगे मेरे बाल। हाँ नहीं सही करी, प्याज का ये मुझे भी किसी ने कहा था ये प्याज का ऑयल बड़ा मुफीद है। जिसने कहा था प्याज रगड़ने से भी होता है, वो जगह ही खाली हो गई। और नहीं आप अभी अगर यूटिलाइज इसको यूज करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ईद तक फर्क लगेगा, कुछ फर्क लगेगा आपकी मतलब डलनेस फिजनेस। लेकिन प्याज इतनी महंगी हो गई है, आपकी ऑयल की कॉस्ट भी बढ़ गई होगी। जी मेरी ऑयल की कॉस्ट जहाँ बढ़ तो गई मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक नॉर्मल में। जी यस। वैसे ऑयल की बॉटल के डिफरेंट साइजेस हैं, एक ही साइज और कितने की है वो? 100 ml 100 ml जो है वो भी मेरी 1000 की है। 1000 की है, ठीक है। और जो बेडशीट्स वगैरह इनकी क्या रेट्स वो सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं, जैसे उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसकी वर्थ के हिसाब से, उसके हिसाब से इसके प्राइजेस। अच्छा जिस तरह बेडशीट जब लेने के लिए जाते हैं तो एक अलग से ब्राइडल सेक्शन भी होता है कि जो आप नए नवेले जोड़ों को अगर तोहफे में देना चाहें तो आप इस तरह का भी कुछ बना रही हैं? जी वो भी बनाती हूँ। अच्छा। ब्राइडल भी बनाती हूँ, मतलब जैसे उस पर भी होता है कस्टमर की जैसे डिमांड होती है, जैसे फर्नीचर के हिसाब से वो कह देते हैं कि हमारा ब्राइडल रूम ऐसा है आप इस तरह करके करिएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बनाती हूँ। अच्छा हमारे आपके कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका इस पूरे काम में? अम्मी के साथ बेसिकली मेरा ये होता है कि उनकी हेल्प आउट करना। एक्चुअली मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं ये कि अम्मी के साथ उनको जहाँ वो कहें जिस जगह वो कहें उनके साथ मैं लेके चली गई, उनको थोड़े बहुत आइडियाज़ देती है। बेस काम एफर्ट सारे अम्मी को होते हैं, उनके साथ बस उनकी हेल्प आउट जो साइड में होता है कि इस तरीके से हम चले जाएं जाके आगे उनका कोई काम कर लें, या फिर आपको आजकल जैसे पता है कि कन्वेंस वगैरह कितनी वो हो जाती है टफ, और ये इतने भारी भारी बेडशीट्स उठाना और ये सब करना इजीली नहीं है सब वुमेंस के लिए ये सब करना, तो ये फिर ये होता है कि मैं अम्मी के साथ हेल्प आउट कर ली, हम लोग चले गए। और आप में से अम्मी आप हैं? जी जी। अच्छा अच्छा मैं उनको समझ रहा नहीं वो पता नहीं चलता ना माशाल्लाह पर्दे में। लेकिन मुझे बात है अगर मैं कभी अपनी अम्मी को कहीं गाड़ी में लेके जा रहा होता हूँ ना तो आप मुझे बताएं क्या आपके साथ इस तरह होता है कि मेरी अम्मी कहती है कि सुनो जरा वहाँ वो जो वो दुकान थी ना वहाँ पे ले लो, तो मैं कहता हूँ अम्मी आप बताएं तो वो वहाँ कौन सी दुकान है? हाँ। किस चीज़ की दुकान है? अच्छा भाई वो जो है वो ये इस तरह कभी करती है? नहीं अम्मी बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती। एक्चुअली जब हम लोग घर से निकल रहे हो तो हम लोग पहले से सोच के और ये सब प्लान करके अम्मियाँ ये भी करती हैं, जब ड्राइव कर रहे होते हैं ना तो अम्मी बिस्मिल्लाह अरे ऐसे करो ऐसे करो ये करनी है। देखिए बहुत ज्यादा होता है, मैं कहती हूं अम्मी प्लीज चुप रहे, आपने कुछ डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि प्लीज आप चुप रहे, वो देखो आगे कुछ नहीं कर रहा, आप मुझे उधर कॉन्सेंट्रेट रहने दो, कंफ्यूज हो जाता है, फिर आदमी मोड़ काटने लगता है, आगे मोड़ ही नहीं होता। अच्छा वो आपको जाना सीधे हाथ पे होगा, बंदा बोल देगा उल्टे हाथ पे ले लो, आपका तो दिमाग ही प्रॉब्लम है ना थोड़ा।
ये नहीं बरगद भाई, ये होता है मतलब आपका भी नहीं होता, ये आपके साथ ही होता है। अच्छा चलो मेरे साथ होता है, लेकिन ये गलती होती है कि आपने बोलना राइट हैंड है, आप बोल देते हो लेफ्ट हैंड, अब वो बंदा लेफ्ट पे ले रहा है और हमने जाना राइट हैंड में, वो गड़बड़। अच्छा वो किसी को धोखा देने के लिए कहीं और होता है और बोल ले रहे होते हैं, बस कहीं पे निगाहें। और यहाँ पर जो कराची का इस वक्त ट्रैफिक है, कोई भी राइट लेफ्ट कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। वाकई मतलब आप ये समझो कि आने वाला हर बंदा ना अंधा है, आपकी आंखें बस, कहीं से भी आ सकता है। अगर आप सिग्नल पे खड़े हो तो भी कोई ना कोई आ सकता है, कुछ आपको सिग्नल के अलावा भी आ जाएगा, हाँ। गली कूचे में कहीं भी आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। लेकिन सिग्नल कितना लोग तोड़ते हैं सर, वो आपने देखा है, अब तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा पुलिस वाले भी खड़े हुए होंगे जो सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं, वो बेचारे किस किस को पकड़े, एक को पकड़ के पहले अपना खाचा पूरा करेंगे और नहीं तो पकड़ते भी उनको है जो बेचारा मजलूम होगा ना बाइक वाला। भलाई का दौर ही नहीं है सर, मेरा एक दोस्त बेचारा हेलमेट पहन के निकला, यकीन करो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोके 2,000 रुपए मांग लिए। क्यों? बोला स्कूटर का है। पुलिस वाले भी क्या करें, एंजॉय करते हैं इतनी मोटी मोटी वर्दियां। और अभी देखिए रमजान में इनकी ड्यूटियां कैसी हैं, कि अभी आप देखें तारिक रोड चले जाएं कितनी सख्त ड्यूटी है, सुबह से लेकर स्टॉल लगा के लेडीज पुलिस बैठी हुई है। आप देखो ना काम तो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, फ्राइडे वाले दिन ज्यादा काम करते हैं आपको पता है, क्योंकि सैटरडे वाले दिन छुट्टी होती है, बीवी को शॉपिंग भी तो कराना होता है। और दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि ये जो लोगों के डिफरेंट, क्योंकि कराची में आपको पता है हर शहर से लोग काम करने के लिए आते हैं, इट्स अ बिग कॉस्मोपॉलिटन सिटी, कितने लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए होते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर को अपना शहर नहीं समझते, उनको लगता है कि ये बाप की जागीर है, सिग्नल भी तोड़ दो, कचरा भी फेंक दो, और पुलिस भी और ये ट्रैफिक पुलिस भी आपके ताबे रहेगी, ऐसा नहीं होता। अपने आप को शहरी बनाने के बजाय कराची को गांव बना दिया। लेकिन इसका हल पता है क्या है, ऐसे लोगों को आप सीधा कैसे कर सकते हो, अब आपके हाथ में मोबाइल फोन। मैं हमेशा ये करती हूँ कि ऐसे लोगों की वीडियोस बनाती हूँ जो सिग्नल तोड़ते हैं, उनकी वीडियोस डाल देती हूँ सोशल मीडिया पे। आप अपना मेमोरी कार्ड दाया कर रही हैं। ये ले मैं शेखुरी सर की वीडियो बना रहा हूँ, हाँ। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, खातून जो सबकी वीडियोस डालती है। लेकिन नहीं यार ये हमें पनिश करना, वो और एक्शन देते होंगे जब आप वीडियो बनाते होंगे, टिकटॉक बनेगी। नहीं ना उनको पता ही नहीं, उनकी बैक साइड होती है ना, वो सिग्नल तोड़ होते हैं, उनकी गाड़ी का नंबर आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से उनको पता तो चलेगा। ये किस टाइम करती हैं आप? ये मैं जिस टाइम पे भी जाती हूँ कोई सिग्नल तोड़ता है, अच्छा, चाहे रात के टाइम क्यों ना हो मैं वीडियो बनाती हूँ। माशाल्लाह ये रॉबिन हुड आर्मी है इनकी, वो कभी भी पहुंच सकती है। अच्छा रिफत मुझे बताएं कि काफी सारे लोग ये भी कर रहे होते हैं कि उन्होंने किसी पिक्चर में या किसी मूवी में कोई बेडशीट देखी हो और आप तक तस्वीर पहुंचाएं कि इस तरह का कुछ हमें बना के दें, तो आप कस्टमाइज ये वाले आइडिया? जी बिल्कुल, मैं करती ही कस्टमाइज हूँ, और मेरे जो बेडशीट्स होते हैं वो वन पीस ही होता है। अब जैसे अगर मुझसे आप ये कहेंगे कि ये जो है आप मुझे दोबारा बना दीजिए, तो ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा दोबारा नहीं बन सकती? नहीं बनेगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। अगर जैसे इसका एप्लिक है पर्पल कलर का, तो वो हो जाएगा, मगर नीचे का जो बेस है वो चेंज होगा। वो एक मतलब मेरी बेडशीट में सबसे अहम और खास चीज़ ये कि वो वन पीस होता है, यानी वो पेंटिंग की तरह आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है, दोबारा नहीं आ सकता। वो बहुत से लोग इस पर ये कहते हैं ना कि जैसा हमारे पास है ऐसा किसी और के पास नहीं होना चाहिए, तो वो इनसे रब्ता करते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो भी, तो ऐसा भी तो होता है रिफत, कि आप कुछ अगर क्रिएट कर रही हो बना रही हो, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत खूबसूरत बन रही है, ये ज़्यादा बना लेती हूँ, क्या पता इसके 2-3 ऑर्डर्स और हैं। नहीं सर, बस मेरी मतलब कोशिश यही होती है कि नहीं अभी पहले इसको एक ही को रखो, ताकि मतलब बेसिक बात ये होती है कि ऑनेस्टली जो मतलब जो मेरे है असल के, नहीं मैंने बस वन पीस बनाना है, तो वन पीस बनाना है बस। लेकिन अगर कोई कह दे कि मुझे ऐसे ही पीस चाहिए, तो वो चीज़ बनेगी, मगर उसमें थोड़ा सा मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ 19-20 होगा, कुछ नहीं तो एम्ब्रॉयडरी सेम हो जाएंगी, मगर वो फैब्रिक भी, लेकिन बनवानी पड़ेगी, पैसे देके बनवानी पड़ेगी। पैसे क्यों नहीं देंगे भाई, मेरे भाई बैठे हैं पैसे देने के लिए, अभी तक दिए इतने पहले शोज में। नहीं नहीं, और वैसे भी ये वाली बेडशीट जमीनी नशे पे तो अच्छी नहीं लगी। ये बेड पे बिछे की कोई चांदी, वो कुछ चांदी थोड़ी है, नजर आ रहे हैं आपके एनवेलप्स है, मैं एनवेलप्स से बनाती हूँ, तो ये भी हैंडमेड है। यस ये भी हैंडमेड, खूबसूरत लग रहे हैं वो, ये भी हैंडमेड है। आप ईद के हिसाब से, ईद पे अगर आपने ईद ही देनी है, या फिर अगर आपको शादियों में सलामियाँ वगैरह देनी होती है, उसके लिए ये बहुत यूनिक डिफरेंट। अच्छा जी, शादी में सलामी और ईदी की बात हो रही है, मैं इन तीनों को कन्विंस करती हूँ अपने भाइयों को कि ईद पे मुझे ईदी जरूर दें इस दफा। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अभी क्या हुआ, पहली नजर में मजनू लैला पे मर मिटा, पहली नजर में राजा ने हीर को बोला था, तुम जाने जिंदगी हो तो मून माने जिंदगी हो, मैं तान हूं तुम्हारी तुम मेरी बांसुरी हो।
पहली नजर का जादू सर चढ़ के बोलता है, बोले दस्तक बगैर दिल का दरवाजा खोलता का तू, पहली नजर में तुमने जादू सा कर दिया है, बोले मिस कॉल दे के तुमने नंबर बिजी कर दिया का थे, कतरीना जैसा चेहरा एक बार फिर दिखा दो, सोनाक्षी सी पल के आंखों पर तुम झुका दो कदे, फिर से झलक दिखा को आशिक की नजर को भर दो, मैसेज ना कर सको तो पिक्चर ही सेंड कर दो कदे, तुम फेसबुक पे हो तो बोले मुझको भी ऐड कर लो, जो वाल पे लिखा है वो दिल का हाल पढ़ लो, ट्विटर पे भी लिखो पर्दे सभी हटा दो, वेब कैम ऑन कर लो खुद को जरा दिखा दो, बोले पहली नजर का जादू सर चढ़ के बोलता कहते, दस्तक बगैर दिल का दरवाजा खोलता, बोले पहली नजर में तुम जादू सा कर दियो, मिस कॉल दे के नंबर बिजी कर दियो, बोले बस करो कहते कच्ची हो गया हमारा। वेलकम बैक खवातीन रोजात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज हमारे साथ हैं इनोवेटिव से रिफत और मारिया, दोनों बहुत अच्छी इनकी मदर डॉटर की जोड़ी है और ये बड़ी खूबसूरत बेडशीट्स बनाती हैं। मारिया, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, काफ़ी दफ़ा एक क्लैश ऑफ आइडियाज़ भी होता है, चूँकि आपका ताल्लुक नई नस्ल से है, यू नो आपका ज़्यादा रीच होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेट में सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो उनके आइडियाज़ मुख्तलिफ होते हैं, तो कभी क्लैश होता है कि आपको लगता हो कि अम्मी जो चीज़ बना रही हैं वो इतनी ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ करें या डिज़ाइन चेंज करें? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी के अंदर ही इतनी क्रिएटिविटी, और आज से नहीं काफ़ी टाइम से, वो बहुत मतलब जब से हम लोग अपने होशों में आए तो ये था कि अम्मी के अंदर बहुत क्रिएटिव कुछ न्यू लाने की थी। इवन हम लोग को शादी के टाइम पे भी अम्मी ने ऐसा करा कि बहुत अच्छी डिफरेंट चीज़ें करके दी जो सबको बहुत पसंद आती थी। अब जैसे ये होता है कि बहुत से लोग सिल्क यूज़ कर लेते हैं, साटिन यूज़ कर लेते हैं, रेशमीन यूज़ कर लेते हैं, वो किसी को पसंद नहीं आता, कोई हस्बैंड्स वगैरह लाइक नहीं करते उसमें, तो कॉटन की ही चीज़ लेके उसमें इस टाइप की सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी यूज़ करना कि उसमें सब यूज़ कर आराम से ईजिली लेट सकें, सब कर सकें। तो उनका अम्मी का यही होता था कि मतलब वो इतना अच्छा लाती थी कि वहाँ आइडियाज़ हमारे सेम हो जाते थे कि मैं यही आपसे कह रही थी, आपने भी यही कर दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ कि अम्मी मेरी ज़्यादा वो और अम्मी की रीच एक ही मोस्टली सेम ही थी। वैसे माशाल्लाह रिफत, कितना अच्छा सबक याद करा आपने। एम्ब्रॉयडरी है तो इस तरह की बेडशीट आप हम आराम से वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं या हैंड वॉश रखना होता है इनको, इनको सही से केयर से यूज़ करने? नो, आप एप्लिक वर्क वाली बिल्कुल इजीली आराम से मशीन में वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं ये चले, एक जो ब्राइडल वाली होती है उसमें तो ये होता है कि मोती वगैरह वो आपने आराम से हाथ से वॉश कर लिया, मगर ये वाली आप इजीली वॉशिंग मशीन में रफ एंड टफ चलेंगी, 10 to 12 years चलेंगी इसकी। अच्छा, रंग पक्के हैं इसका मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह रंग पक्के हैं ना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न ये होता है कि एक दो वॉश के अंदर डल ना हो जाए, रंग ना कम हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप ऑनलाइन ही ये बिजनेस मेंटेन कर रही है या कोई आउटलेट्स भी हैं जहाँ पे? आउटलेट्स नहीं, मतलब मेरे घर में ही होता है और ऑनलाइन होता है। इसके अलावा जैसे एग्जीबिशन वगैरह होती हैं, रंगून वाला है, यूनियन क्लब वगैरह है, पाम, वहाँ पर मेरे एग्जीबिशंस होते हैं। एग्जीबिशंस होते हैं और प्री पेमेंट का सिलसिला है या कैश ऑन डिलीवरी है? कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। एक्सेलेंट इनोवेटिव का जो इंस्टाग्राम लिंक है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जाके देखिए ये खूबसूरत बेडशीट्स वहाँ अवेलेबल है, और फेसबुक का पेज भी आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, जाके ज़रूर देखिए और इस तरह के जो बिजनेस हैं उनको सपोर्ट कीजिए। मुझे एक बात बताएं, कोई आपने सोचा इसको मज़ीद आगे लेके जाने का, किसी और चीज़ में वेंचर करने का, जिस तरह थ्रोज होते हैं या कुशन कवर्स होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद लेके जाना है, और उसके लिए अभी कोशिश है। अब जैसे मतलब इसमें अभी मैंने ये जैसे आपको बता रही हूँ इसमें कुशन कवर है, इस कुशन कवर पे क्रोशिया से एम्ब्रॉयडरी वगैरह करी, क्रोशिया के फ्लावर वगैरह बनाएँ,
और उसके अलावा जैसे हमने उसमें कोई चीज़ चेंजिंग लानी है उसको बढ़ाना है बिल्कुल है। अच्छा रिफत, ये कहा जाता है यूजुअली कि जब खवातीन किसी बिजनेस में स्टेप इन करती हैं या कोई काम करना शुरू करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अपनी लाइफ का जिक्र कर रही थी कि आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, फिर आपने सोचा कि ये काम कर रहे हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा सपोर्ट थी घर वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, या बिल्कुल भी नहीं थी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। नहीं थी? नहीं, सपोर्ट नहीं थी। मुझे जो मेरी सपोर्ट करा वो मुझे मेरी बेटियों ने करा। बेटियों ने करा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एक हस्बैंड की डेथ हो गई, अब हस्बैंड जो होता है वो आप समझ लो घर का एक बेसिक मतलब बुनियाद होती है, सरबरा होता है वो, अब वही चला जाए तो फिर आप ये कि बस उस वक्त मैंने सोच लिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाजायज़ काम नहीं कर रहे, जायज़ कर रहे हैं और एक अपने हद में रह के कर रहे हैं, तो फिर मतलब उस वक्त तो कोई नहीं आता आपका साथ देने के लिए, तो बस सही है, जब मेरे अंदर एक टैलेंट है तो मैंने उसको यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और कभी अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो आपने डेवलप किया हो, क्रिएट किया हो, वो नहीं बिका हो, यानी जो पुराने बेडशीट्स रह जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट होती हैं, नहीं उनको उनकी ऑडियंस मिल पाती, उसका क्या करते हैं? उसके लिए ज़्यादातर फिर ये होता है सर, मैं जैसे अपने घर में एग्जीबिशन रख लेती हूँ, तो घर में एग्जीबिशन में ये होता है कि जैसे आपके ख़ानदान वाले, आपके रिलेटिव्स वगैरह वो आ जाते हैं, और उस वक्त ये होता है कि मुझे चलो मतलब ये तो अपने ख़ानदान के हैं सब, तो वो रेट टू रेट भी अगर होता है तो मुझे उस पर कोई इशू नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी फिर वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम आप सेल वगैरह लगाती हैं चीज़ों पे अपने इंटरनेट पे, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे? जी, तब जैसे अब ईद का हवाला आता है या इंडिपेंडेंस डे वगैरह आता है तो उसके हवाले से फिर हम उस पर अपना ऑफ देते हैं, ऑफ करते हैं जी, सेल लगा रहे हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं बार्गेनिंग बहुत करवाते हो यार, इतने पैसे कम कर दो, नहीं तो बहुत महंगे दे रहे हो। मम्मी से मैं कहती हूँ आप बार्गेनिंग छोड़ें, उनको वर्थ नहीं पता ना, बहुत से लोगों को आपकी चीज़ की वर्थ नहीं पता होती, आपने उस पर कितना एफर्ट्स किए हैं, तो वो मैं अम्मी डिसहार्ट होना शुरू हो जाती हैं कि लोगों को क्यों इतना ज़्यादा लग रहा है मैंने इतनी में, तो मैं क्या डिसहार्ट अगर हो गए तो काम तो नहीं चलेगा, तो डिसहार्ट होना छोड़ दें आप, और जो आपकी चीज़ है आप उस पर ना कि हाँ ये मैंने किया है और इतना ही आपने लेना है, ठीक है नहीं लेना आप। लेकिन वो टाइम टू टाइम बहुत सारे पेजेस हैं जो बिजनेसेस हैं वो एक प्रमोशनल डील्स भी निकालते हैं कि बाय टू गेट वन फ्री या बाय टू गेट कुशन कवर्स फ्री, या जो प्रमोशनल इस तरह की चीज़ें होती हैं आप लोग करते हैं इस तरह? ये इस टाइम अभी स्टार्ट ऐसा लिया नहीं है, मगर यह कि इंशाल्लाह जब ये अभी तो आपको पता है स्टार्टिंग है हमारा, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ेगा तो फिर इरादा है कि ये सब चीज़ें भी करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन। और ऑफ कोर्स ये जब भी कोई इस तरह का क्रिएटिव काम आप कर रहे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा जहन आपका लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा आपको हर वक्त एक इनोवेशन चाहिए होती है इस बिज़नेस को चलाने के लिए। रिफत, कोई टीम आपने हायर की भुई है या सारा काम आप खुद ही कर रही हो? ना, सारा काम खुद ही करती हूँ मैंने, कोई टीम नहीं। हाँ, क्योंकि आपने सब चीज़ देखनी है, जब आप मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जब आपकी नींद उड़ जाए ना आप समझ लो बस अब आप कामयाब हो जाओ। और जो आप काम अपने हाथ से खुद कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स एक सेटिस्फेक्शन का लेवल ही अलग होता है उसमें। और मैंने ये देखा है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो ना हर वक्त, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको अपनी मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। आपको किचन से बाहर आना पड़ेगा, ये नहीं कि पुदीना डाला, नींबू डाला, चीनी डाली और दे दिया बस। देखे, ये मेरा काम है, इट्स माय जॉब, ओके। लेकिन जब भी हमें कामयाब होना है आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, इन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि आपने अपनी नींद भी जो है वो छोड़ देनी है, तो वाकई वहाँ से फिर आपका जो ना टाइम स्टार्ट हो जाता है। नींद सैक्रिफाइस करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद, जब आप बिजनेस जब आप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो भाई नींद, खाना पीना सारी सोचें साइड पे करके बिजनेस को इतना ग्रो कराना पड़ता है जैसे किसी पौधे की आप टेक केयर कर रहे होते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ आज रिफत और मारिया मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इनोवेटिव से है, बहुत ही बेहतरीन बेडशीट्स बनाते हैं। आपके स्क्रीन पे इस वक्त लिंक भी आ रहा होगा इनका फेसबुक पेज का, देखिए जाके इनकी कलेक्शन और ऑर्डर कीजिए। जो हेयर ऑयल्स हैं इसके अंदर आपने अभी वेंचर किया है, हेयर ऑयल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है वैसे ऑनलाइन?
ऑयल्स की डिमांड मतलब वो एकदम लगता है कि हाँ बहुत अच्छी डिमांड है यूज़ करने पर, या आजकल आप देखो सब मतलब हम लोग ना बस चाहते हैं जैसे हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट बस फ़ौरन हो, फौरन तो किसी चीज़ का रिजल्ट भी नहीं होता। आज आपने अगर एप्पल खाया तो कल आप एप्पल की तरह तो नहीं हो गए, डेफिनेटली आपको वन मंथ जब लग के आप एप्पल खाओगे जब ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और जो तरीका आप बताती हैं उस तरह इस्तेमाल भी करना जी सबसे बड़ी बात ये कि आप इस तरह को इस्तेमाल करो और जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसके हिसाब से जाहिर बात है रिजल्ट होता है। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली उसको पाबंदी से यूज़ कर रहे हैं, उसको समझ गए कि हाँ ये चीज़ है तो बस उसके पास तो कितनी बॉटल्स मतलब आपको यूज़ करनी होगी कि आप हेल्दी हेयर की तरह जो है आ जाओ वापस। वैसे तो मैं आपको बताऊँ आप फर्स्ट यूज़ के बाद जब आप अपने बाल दोगे तो आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होगा, सॉफ्ट एंड स्मूथ सबसे ज़्यादा होंगे। और जैसे आजकल लड़कियाँ हेयर डाई करती हैं तो उसके बाद एक रफ बाल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, तो उसके उसके इसके यूज़ करने से ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क, और ये मुझे बहुत ज़्यादा सबने कहा कि हाँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फ़र्क पड़ा। एक्चुअली जब अम्मी ने अपना ये ऑयल बनाया था तो उस टाइम मैं रिसेंटली अपने बाल ड्राई करवा के आई थी और वो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी अपने बालों से कि वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो फर्स्ट टाइम मैंने ही इस्तेमाल किया था और इवन जस्ट फर्स्ट वो यूज करने के आफ्टर फर्स्ट वॉश के बाद वाकई उसमें ड्राइनेस खत्म हुई थी, और फिर जब लग के एक दफ़ा पूरी एक बॉटल यूज हुई विद इन वन मंथ तो वो वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। अब जैसे ही आगे रमज़ान और ईद आ रहे हैं हम सबको ये होता है कि रमज़ान में बाल डाई करवाते हैं ईद के लिए, तो ये बाल सबके ऑब्वियसली डेड टू हो जाते हैं सबके साथ ही ऐसा होता है, तो आपने फिर उसमें ये वाला ऑयल यूज़ कर लें तो बहुत तो आप और आपका कलर भी मेंटेन रहता है, ये नहीं कि आपका कलर ख़राब हो जाएगा उससे क्योंकि टोटली प्योर है ऑर्गेनिक, इसमें किसी चीज़ का कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये कुरेशिया का काम नज़र आ रहा है, तो ये ऑन डिमांड भी आप बनाते हैं जिसे अक्सर लोग न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बनवाना चाह रहे होते हैं, कुछ इस तरह का फ्रॉक है या कुछ डिफरेंट वो भी बनाती हैं या सिलेक्टेड चीज़ें बना रही होती हैं? मैं ये अभी तो मैं ये सिलेक्टेड चीज़ें बना रही होती हूँ और उसकी भी बेसिक वजह यह है कि जैसे मैंने न्यू बॉर्न वगैरह के लिए भी बनाया ना तो उसमें ये होता है कि जी हमने तो ये कहा था ये नहीं ये हो गया, मेरी अब सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है देखिए मेरे आपके सामने है जो मैंने बनाया हुआ आप मतलब उसी में से मैं मेरी कोशिश ये होती है कि आप उसी में से परचेज कर लीजिए। नहीं नहीं न्यूबॉर्न का नहीं बनाया इन्होंने अभी तक, ये क्या छोटा छोटा ये क्या ये क्या चीज़ फीडर कवर्स, फीडर कवर्स हैं, पर्स हैं, अच्छा अच्छा क्लिपोनिया हेयर बैंड्स हैं, मैं समझा वो जो छोटा बच्चा पैदा छोटा बच्चा होता है उसका टोपा है वो समझ रहा हूँ। ये पाउच आजकल बहुत ट्रेंड हुआ है गर्ल्स, लेकिन ये उस तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, मतलब ये जब तक इस्तेमाल करे वरना पैसे रख के बाहर निकल जाओ। बड़ी आप हाथ से खुद बना रही होती है जी बेहतरीन, सर वक्त कितना लगता है एक बेडशीट तैयार करने में? बेडशीट तैयार करने में मतलब डिपेंड करता है उसकी वर्थ पर कि उसकी कितनी वर्थ है, क्योंकि मैं मतलब मेरा टाइम पीरियड सोने का बहुत कम है, 3 to 4 hours में 3 to 4 hours होती हूँ, उसके अलावा बस हर वक्त ये होता है कि मैंने ये करना है और उसको एक टाइम बनाया हुआ है कि अभी बेडशीट का टाइम है अब इसका वक्त ये करना है, और इसके अलावा मैंने अपने नमाज की स्कार्फ चादरें भी बनाई हुई हैं जो कि इस स्टाइल की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ऑनलाइन जाती हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। आपने कितनी बेडशीट्स प्लान करके रखी हुई होंगी जो अभी बनाई नहीं है आपने, जो डिजाइन होते हैं वगैरह? तकरीबन मेरे पास इस वक्त 10 to 15 आराम से है जो आपके फ़ोन में अभी बनाई नहीं, बनाई नहीं अभी वो नए डिज़ाइन जो आएंगे। अच्छा अगर कभी कोई पुराने डिज़ाइन की डिमांड कोई बहुत ही आपका लॉयल क्लाइंट हो जो हर बार आपसे चीज़ें परचेज कर रहा हूँ वो पुरानी किसी चीज़ की डिमांड करें कि भाई ये तो लाजमी बना के देंगे, तो वो अम्मी अगर ट्राई करके बना भी देंगी ना हम जब मार्केट जाएंगे तो वो वाला प्रिंट अवेलेबल ही नहीं होगा, जैसे अच्छा। कि अम्मी का है कि निशात से या गुल अहमद आइडियाज़ अलकरम इन सब की मार्केट्स के अंदर जाके उनका वो लेते हैं तो वो वाला प्रिंट्स ही अवेलेबल नहीं होगा तो वो बन ही नहीं सके। लेकिन रिफत आपने कभी सोचा इतना ज़बरदस्त हुनर है आपके पास, इतना अच्छा आप काम करिए, ऑफकोर्स आपका बिजनेस, आपने सोचा कि कभी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका इनाम ले रही हैं वहाँ पर अप्लाई करें वहाँ जाके जॉब करें इस चीज़ को और बड़े पैमाने पर उनके साथ कोलैबोरेशन में करें? ऑफकोर्स बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट, आप करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस ड्रीम काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा। मेरे ख्याल से जब आप ट्राई करेंगी कि मैनिफेस्ट करते हैं आप सोचते हैं कि इस तरह हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, आप ऑलरेडी एक काम कर रही हैं और इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, अपने सैम्पल्स अगर आप किसी भी और ये पूरी दुनिया में होता है आप कोई भी काम अगर कर रहे हो
आपके पास किसी भी चीज़ के सैंपल्स हो तो आप उस इंडस्ट्री की जो लीडर्स हैं उनसे अगर आप अपने सैंपल्स शेयर करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको हायर कर लेती हैं। आपको पता है मर्चेंडाइजर्स जो होते हैं हर बड़े ब्रांड ने अपनी मुख्तलिफ कंपनियों ने पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि एक बंदा ऐसा हायर किया हुआ होता है एक डेजिग्नेशन पे जो डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं छोटे छोटे इलाकों में जाके उस प्रोडक्ट के जो बन रहे होता है कि कोई कमीज़ें बनाता है तो वो तुर्की चला गया, तुर्की के गांव में जाके देखेंगे कि छोटे इलाकों में दर्जियों ने क्या शर्टें बनाई हुई हैं। अब आपको पता है एकदम से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के किसी देही इलाके में कोई ट्रेंड चल रहा होता है वो एकदम से कोई बहुत बड़ा ब्रांड कॉपी करता है। पियर कार्डन ने और कितने बड़े बड़े ब्रांड्स ने हमारी पेशावरी चप्पल को बनाया था और वो आपको नहीं पता कि कहाँ पे किस तरह ये लोग फिर रहे होते हैं ये डिज़ाइंस देखने के लिए। तो आई थिंक अपने सैम्पल्स को बड़ी कंपनीज में भेजते रहना चाहिए एंड यू नो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू कोलैबोरेट विद देम। वो कोलैबोरेशन जो होती है वो कभी कभी बड़ी सही साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी साबित होती है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आइडिया आपको एस्पर ने दिया। आपको इस पर जो है अमल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं उनसे बात करते हैं तो आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। और आजकल हर बड़ा इदारा जो इंडिपेंडेंट खवातीन हैं जो कि बिजनेस कर रही हैं काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करता है और आई थिंक है, सही नहीं कह रहा हूँ मैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हमें भी पाकिस्तानी जो खवातीन हैं उन्हें सपोर्ट करते रहना चाहिए इस तरह के बिजनेसेस में। आज खवातीन और हजरात हमने आपकी मुलाकात कराई रिफत से और मारिया से जो कि बेहतरीन बेडशीट बनाती हैं और मुझे एक रेंज बताएं क्या प्राइस रेंज होगी इनकी? 4000 से स्टार्ट होते हैं अम्मी के और डबल बेड की 4000 से या सिंगल बेड की? डबल बेड की 4000 से विद टू पिलो कवर्स और फोर पिलो कवर्स ऑन डिमांड। क्योंकि बेसिकली डबल बेड पे बिछा सकते हैं ये डिपेंड करता है कि उस पर सिंगल बंदा सो रहा है या डबल। आप अपनी साइड पे बिछा के सिंगल बेड, ये सिंगल है ना, क्योंकि सिंगल बेड की चादर बहन मैंने देखी बहुत बड़ी होती है। मैंने देखा जब मेरी अम्मी लाती हैं वो भी काफी बड़ी होती है सिंगल बेड की चादर भी। नहीं एक्चुअली मेरे पास जो है सिंगल बेड की चादरें नहीं होती, डबल बेड की होती है। अच्छा, ओनली डबल। उन्होंने आपको मना कर दिया इनडायरेक्टली कि आपको तो दूसरे सिंगल बेड जो होता है वो एक कस्टम, वही बात है कि कस्टमाइज मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा, जो ऑर्डर देगा कस्टमाइज होगा तो वो सिंगल बेड की होगी। ओके। अच्छा, अगर कोई आपसे डबल बेड की चादर ले रहा हो और वो आपको कहे कि इसको आप दो सिंगल बेड की बना दें तो आप बना सकती है? नहीं बना, नहीं वो तो खुद बना दे घर जाके, वो काट के खेल सकती है। नहीं बन सकती कभी भी क्योंकि उसकी उसमें फर्क आ जाएगा। नहीं, बहुत से लोग जो है ना साइज का बेड बनवाते हैं सिंगल बेड, जरूरी नहीं है कि जो मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज है वही हो। बहुत से लोग साइज से बनवाते हैं कि 4 फीट 3 फीट 2 फीट पतले बनावा, लेकिन गद्दे का भी प्रॉब्लम होता है उसके मिलने नहीं मिले। नहीं गद्दा भी मिल जाता है, मिल जाता है, अब तो सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त बात है या जिस तरह रिफत साहिबा और मारिया ये बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं, इनोवेटिव इनकी कंपनी का नाम है और प्योर नेचर्स हेयर ऑयल के इनका ब्रांड है, बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल बनाते हैं। इस तरह आपकी स्क्रीन पे इनका इंस्टाग्राम लिंक और फेसबुक लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप विजिट कीजिए, जो चीज़ पसंद है उसको ऑर्डर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू बरकत अनुजमी, थैंक यू शेफ मुनीजा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।